बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। पाक है वो जात जिसने हर शय को अदद में गिन रखा है। दुरूदो सलाम मुहम्मद व आले मुहम्मद पर, जो हर शय की अदद को जानते हैं। मैं तालबे इलम इल्मे जफर हरफो अदद गुलफाम अली हुसैनी आपसे मुखातिब हूं और आप देख रहे हैं फैज़ हुसैनी टीवी। आज एक ऐसा अमल आपकी खिदमत में हदिया करने लगा हूं जो कि अमल एक है लेकिन इसके फायदे लातदाद हैं। बहुत सारे राज असरार तजलियात इस अमल में हैं। आपका कोई भी मकसद है, यानी जिस्मानी रूहानी कमजोरी है, हाफजे की कमजोरी है, आपके पेट का मसला है, आपके दिल का मसला है, आपके गुर्दों का मसला है, आपके फेस का मसला है, बालों का मसला है, आपकी बॉडी में कहीं कोई मसला है, कोई बीमारी है, आप इस अमल को कीजिए। आपके रिजक में कमी है, बंदिश है, शादी में बंदिश रुकावट है, दुश्मन का खौफ है, या खुदा की बारगाह में बख्शिश तलब करनी है। आपको बहुत सारी नेमतों से अल्लाह नवाजेगा। आप इस अमल को शबे जुमा या रोजे जुमा करें। अभी जो कमिंग जुमेरात है, ये नौचंदी जुमेरात है, 9 सफर को होगी। हमारे गरीब खाने पर नजर न्याज का, ताकीबात का, दुआ का सिलसिला इस नौचंदी जुमेरात को होगा। आपके लिए खसूसी दुआ की जाएगी, कमेंट्स बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखिएगा। वीडियो को मार्फत के साथ देखें, मुकम्मल देखें, ताकि अमल में कोई कमी या कजी ना रह जाए। याद रखिएगा, इस अमल को नौचंदी जुमेरात को करें, नौचंदे जुमे को करें, वक्ते जोहरैन करें, 2 रकत नमाज सूरह फातिहा के बाद 70 मरतबा सूरह तौहीद कुल हुवल्लाहु अहद, नमाज कामिल करने के बाद 70 मरतबा अस्तगफार, उसके बाद आप तस्बीह फातिमा पढ़ें और 70 मरतबा नादे अली पढ़ें। बीमार करे तो पानी पास रख ले, पानी पे दम करके चेहरे पे छिड़क ले और पीना शुरू कर दे, 7 दिन पी ले। अगर कोई बे रिजक है, रिजक के लिए पढ़े तो इस अमल को हर जुमे या शबे जुमा, 7 शबे जुमा या 7 जुमा इस अमल को करें, हर बंदिश खुल जाएगी, बद असरात का खात्मा होगा, रूहानी जिस्मानी बीमारियों से शिफा होगी इंशाल्लाह।